रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सुरतरंगणींजयतिका वृंदावने रसघन मोहन मूर्ति चित्रकेली महोत्सवोल्लसितम् श्रीराधाचरण विलोकितरुचिरशिखण्डम् हरिं वंदे किशोराद्भुतमाधुरी भरधुरीणाङ्गच्छविम्राधिकाम् प्रेमोल्लासभराधिकाम् निरवधिध्यायन्त्येतद्धिय त्यक्ताः कर्मभिरात्मनेव भगवद्धर्मेभ्यो नमः मम सर्वाश्चर्यगतिं गता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनवाली वितनोतु मंगलम् नः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीको व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालव्यान् रुक्माङ्गदोद्धाववसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि माम् परम् भागवतान् नमः जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधावल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्री वृंदावन धाम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाल लीलाल की श्री वेंकटेश लाल की श्री धरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री सेवक जू महाराज की श्री गुरु जी महाराज की समस्त रसिक मंडली की समस्त संत भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। संकेत कुंज मनुपल्लव मास्तरी तुम तत्तत् प्रसादमभितः खलु संवरीतम् त्वां श्यामचन्द्रमभिशारयितुं धृताशी
अनेकाचार्य श्रोमण गोस्वामी श्री धर्मेंद्र सिंह महाराज के स्तोत्र काव्य श्री रसुधा निधि के इस 31वें श्लोक में जो बात कही गई है वो दोनों पक्षों में लगती है। कल इस श्लोक की वार्ता करने से पूर्व उसकी भूमिका में स्वकीय परकीय विरह मिलन दोनों के बहुत से गंभीर विषयों पर विचार हुआ। हमारे विद्यार्थी रूप में नीलम कुछ काम करती रहती, उसने कहा इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत थी। उसने प्रश्न किया कि जो मूल बात कहने की थी संकेत कुंजमन पल्लव मास्तरी तुम की बात तो आपने कही नहीं, इतने डिटेल में क्यों गए। हमने कहा ये श्लोक दोनों पक्षों में लगता है, ये परकीय रस की पुष्टि करता है, ये स्वकीय रस की पुष्टि करता है। स्वकीय रस की सिद्धि करने में इसमें थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा, इसलिए हरिलाल व्यास ने इसकी व्याख्या बहुत घुमा फिरा के बड़े परिश्रम के साथ संपन्न की है। और स्थूल अर्थ में तो स्पष्ट है क्योंकि परकीय रति में ही अभिसार है। अभिसार का अर्थ होता है जहां प्रणयनी नायिका अपने प्रियतम नायक को जिसके प्रति उसकी आत्मरति है वनांतर में उसको खोज करती हुई विचरण करती है, उसी का नाम अभिसार है। बसंते वासंती सुकुसुम सुकुमारे रवे वे भ्रमंती कांतारे वन बहुत कृष्णानुसरणाम। जयदेव स्वामी ने अपने गीत गोविंद में वर्णन किया है बसंत ऋतु में जब बासंती पुष्पों से वन भरा हरा हो रहा है, पुष्पित है, पल्लवित है, कुसुम सुकुमारों से लग रही है जहां की लताएं, वहां भ्रमंती कांतारे उस कांतार वन में भ्रमण करती हुई प्रेमी नायिका एकाकी। इस अभिसार के और बहुत बहुत रूप वर्णन किए हैं श्रृंगार शास्त्रों में, कब किस ऋतु में किस वेश विन्यास में ये अभिसार होता है, शीतकाल में कैसे होता है, ग्रीष्मकाल में अभिसार कब कैसे होता है, और इसमें कितने छल है कितने कपट हैं, प्रणय में ये सब के सब लागू होते हैं। और ये जो आत्यंतिक प्रीति है इसमें तो न लाज लोक तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे, प्रेम का तो ये सहज स्वभाव है। ये गोपाल काम नहीं जा रहा शोर जा रहा शिखामणि की जो प्रीति है वो क्या नहीं कराती। तो अभिसार में तरह तरह के जो प्रयास किए जाते हैं, वेश विन्यास धारण किए जाते हैं, झूठ बोले जाते हैं, एक छोट से अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं, झूठ बोलना शास्त्र की मर्यादा से विपरीत है, पर ये विहार प्रेम का विहार है, इसमें तो न निगम की मर्यादा है न लोक की मर्यादा है। भरा हुआ जल का घट लुढ़काए देती है प्रणयनी, प्रणयनी ब्रजवल्लभा कोई गोपी, और दिन डूबते जा रहा है तो सखचाई खड़ी है सास के पास, सास पूछती है काय बहू क्यों खड़ी है, सासू जी पानी ना है, आप आज्ञा दे तो भर रहा हूं। अब दिन डूबते जा रहा है तो दिन भर से फुर्सत ना लगी, अरे फुर्सत क्या लगी, उसने खुद ही लुढ़का दिया है। वो जानती है कि मुझे सायंकाल वन से गोचारण करते आते हुए लाला कन्हैया का तो दर्शन करना ही करना है, पर ये जो उसका आचरण है ये आचरण लोक और वेद की मर्यादाओं से अवश्य मेव गिरा हुआ है, पर प्रेम का तकाजा उसे तो विवश किए हुए है कि कोई युक्ति बनावे और किसी तरह से प्रियतम से मिले। इसलिए इसमें न लाज तीन लोक की है न वेद की मर्यादा है, न देव जक्ष तय डरे
न संक भूत प्रेत की न देव जक्ष तेंदर है। कहन बात और सो दशैन और इच्छना, तो सुनैन बात और की सुप्रेम भक्ति लक्षण। इसके तो लक्षण ही भिन्न है। तो अभिसार की बात तो हम कल कह रहे हैं और उसको विस्तार मना ले, ये जिस तरह से कह रहे हैं उसको हम संक्षेप करने का प्रयास करेंगे। ये कहते हैं कि श्री नंदराय के यहां पुत्र वधु के रूप में श्री विश्वानंदनी विवाहित होकर के आ गई हैं और श्री नंदराय जी ने अपने पुत्र नहीं अपितु पुत्र वधु की प्रीति और सुख की लालसा से जिस समस्त ब्रज के वे राजा हैं उसमें विशेष प्रिय है जो उनको श्री वृंदावन और जो उनके लाला को भी अत्यधिक प्रिय है और उस वृंदावन में भी जो यमुना का स्वच्छ सुंदर पुलिन है वो अत्यधिक प्रिय है, उस यमुना तटवर्ती पुलिन देश वृंदावन में विविध प्रकार के कुंज निकुंजों का श्री नंदराय जी ने निर्माण कराया है। ये भावना है जो निर्माण कराया है उनमें एक निवृत्त निकुंज है, उस निवृत्त निकुंज में आज विवाह से आई हुई पुत्र वधु का और अपने कुमार श्री कन्हैया का प्रथम समागम प्रथम मिलन होना है। तो जैसे कोई विशिष्ट अतिथि आवे तो उसके लिए मार्ग में पांवड़े बिछाए जाते हैं, पुष्प के आस्तरण बिछाए जाते हैं, आज प्रथम प्रथम सुहाग रात है, यो कहो प्रथम प्रथम आज मिलन हो रहा है। यद्यपि नित्य निकुंज में ऐसा माना गया है कि ऐसा प्रथम समागम यहां प्रतिदिन है, नित्य निवृत्ति है। नित्य का अर्थ क्या है? जो अनादि है अनंत है, दुर्गा जी ने बताया ना, ना आज न अंत विलास करे दू लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। रूपादित्य के कारण परिचय नहीं है इसलिए कि नित्य नवीन होते रहते हैं। ये विलास नित्य है, वृंदावन नित्य है, निकुंज नित्य है, नित्य प्रियतम है, नित्य प्रिया है, प्रेम भी नित्य नया है जो प्रतिक्षण वर्तमानम है। सखी कहती है इस प्रसंग में मेरी क्या सेवा होगी? कौन सी सखी? वही सखी जो दहेज में आई है, जो प्रिया की बाल संगनी है। विश्वानंदनी जिन्हों अपने शिशुकाल में शैशवावस्था में जिन्हें अपने वस्त्र का भी बोध नहीं होता था, तब वो सखी सावधानी पूर्वक उनकी झुंझुलियों को संभालती थी और जब वो भोजन करती थी लार टपक जाए अस्त व्यस्त रूप से उनके वस्त्रों में अंगों में यदि कोई पदार्थ लग जाए तो धोना प्रक्षालन करना नए वस्त्रों से फिर संवार देना सजा देना। बच्चे जब बोलना नहीं जानते हैं तो उनके भीतर एक अभिलाषा होती है, तब बारा नाम रोदनम बलाहा रो करके अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। मैया नहीं समझ पाती है कि मेरी लाली क्या चाह रही है, बाबा नहीं समझ पाते हैं कि क्या चाहती है। प्राय अज्ञानी माता पिता क्या होता, पेट में दर्द होता और उसकी हंसली को मसलते रहते हैं तो पीड़ा और अधिक बढ़ती है। जो दर्द है वो तो जाता नहीं है और पेट और दर्द कर रहा है और हंसली मसली जा रही है, दोहरा दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे ब्रशवानु राय न समझते हो अपनी लाली की आकांक्षाओं को, व्यथा का तो वहां प्रश्न ही नहीं है, और न कीर्ति माता समझ पाती हो, तो ऐसी दशा में वो जो उनकी हित संगिनी सखी है उसका नाम ही हित सखी है, वो प्रेम स्वरूपणी है। और प्रेम तो बाह्य नहीं होता है, प्रेम अंतर होता है। प्रेम का सिंहासन बाहर किसी कक्ष में नहीं सजता है, प्रेमी के हृदय में सजता है, हृदय देश में रहता है। तो जो प्रेम रूप से सदा उनके अंतर में निहित है विराजमान है वे जानती हैं कि इसकी क्या अभिलाषा है। तो ऐसी
जो हित स्वरूपा हित संगनी हित सहचरी है, उसने बाल्यावस्था से जिनके स्वभाव को, जिनकी प्रकृति को, जिनकी रुचि को और चाहत को समझा है और प्रतिक्षण उसे पूर्ण करने का जो प्रयास ही नहीं करती रही है, समस्त कार्यों को संपादित करती रही है, आज वो दहेज में नंदराय जी के महलों में आ गई है और जहां पानी की बूंद नहीं है। सबसे अधिक कष्ट नंदगांव में पानी का है, कभी आपको रहने का मौका मिला हो, पानी का बड़ा अभाव है। इसी उन्होंने कहा इस नंदगांव को तो छोड़ो, जमुना के पुलिन पर कुंजनी कुंजों की रचना हो। आज रात्रि का मिलन है और दिन का कार्य सेवा का है। सखी कहती है कि संकेत कुंजम अनुपल्लव मास्तरी तुम। सर्वप्रथम तो कुंज भवन को नव नव किशलयों से सैया सजाना है, क्योंकि इसी में परम सुकुमार आकर के विराजमान होंगे। नागरी निकुंज एन कुशल दल रचित सैन, कूक कला कुशल कुमारी अति उदारी, सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्रगुटि भंग, माधुरी तरंग मठत मठत कोटि मारी। हरिवंश जी महाराज ने वर्णन किया नागरी निकुंज एन किशल दल रचित सैन। ये नागरी शब्द जो है इसमें यदि अनुस्वार री के साथ री कर दो तो बहुवचन बन जाता है। नागरी निकुंज एन किशल दल रचित सैन, नागरी माने चतुरा, चतुरा सखियों ने पिया प्रीतम के सम्मिलन की भावना का अनुभव करके, अनुमान करके आज सबने मिलकर के निकुंज भवन में किशलय दलों की सैया रची है। अथवा नागरी निकुंज एन किशलय दल रचित सैन, नागरी जो प्रिया है उसका निज महल है ये निकुंज एन निकुंज भवन, उसमें रची गई है सैया। सैया के रचने के वर्णन लालजी के द्वारा, सखियों के द्वारा और जुगल प्रिया प्रीतम दोनों के द्वारा ऐसे भी मिलते हैं। अधिक वर्णन मिलते हैं सखियों के द्वारा रचे जाने के, उससे कुछ कम वर्णन मिलते हैं लाल के द्वारा रचे जाने के। लाल के द्वारा रचने का आशय होता है अपनी प्रीति पात्रा अथवा जिनके प्रति प्रियतम ने अपना सर्वात्म समर्पण कर दिया है, उन निकुंजेश्वरी को प्रेमास्पदा मान करके नहीं, जिन्हें प्रेमास्पदा स्वीकार करके अपने आप को जिन्होंने समर्पित कर दिया है, इसलिए इस सेवा में वे अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। पलकन की कर सोहनी देत कुंवर ते कुंज, ना जाने कहां बैठी हैं नवल छबीली पुंज। और मान के प्रसंग में जयदेव जी ने भी वर्णन किया इस प्रकार की सैयाओं के रचने का, अस्तु विस्तार में न जाए। सखी आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। संकेत कुंजम, संकेत का भाव हमने कल निवेदन कर दिया था, जो संकेतित है निश्चय किया गया है दोनों के द्वारा, अथवा इतना एकांत है कि जहां दूसरे की गम ही नहीं है, दोनों के द्वारा पहले से सुनिश्चित किया हुआ या आज दोनों के द्वारा सुनिश्चित किया हुआ नहीं है, श्री नंद राय जी के लाल प्यार से सुनिश्चित है। आज सखी वहां पर पहले तो आस्तरण बिछाती है, कैसे बोले कोमल कोमल किशलयों का, बसंत की ऋतु में प्रत्येक लता द्रुम अपना नवीन रूप धारण करते हैं, जैसे उत्सव पर्वों में अस्मदादि सामान्य सभी लोग अपने पुराने वस्त्रों को एक बार उतार के अन्यत्र कहीं रख रखाए देते हैं, नए नए वस्त्र पहन करके सभा में, समाज में, नगर में प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं, ऐसे ही प्रकृति एक बार वर्ष में बसंत आगम पर, बसंत की ऋतु में
अपने प्राचीन पुराने पल्लवों को जो प्रौढ़ हो गए हैं, सुपक् हो गए हैं, पीत बन गए हैं, विकलांग हो गए हैं, उन सब का परित्याग करके नई वेशभूषा में जैसे नव वधु नख से सिख तक सुसज्जित होती है, ऐसे प्रकृति वधु भी सुसज्जित होती है। ऐसी प्रकृति वधु सबके मन का हरण करती है। उस प्रकृति वधु के सुष्ठु अंगों में से जो नवीन नवीन अरुण वर्ण के कोमल कोमल किशलय हैं, उन किशलयों को शुभ्र पत्रों को एकत्र करके चयन करके, और चयन करने में भी एक सावधानी की आवश्यकता होती है। जो अति सुकोमल है और श्री अंग के योग्य हैं, शोभा का भी विस्तार करने वाले हैं, ऐसे पल्लवों का संचय करके सखी ने अपनी एक सैया निर्मित की है प्रिया और प्रीतम के विराजमान होने के लिए। तापर श्याम निवेशत गोरी, केवल सैया आस्तरण बिछा कर लेने के बाद ही प्रीति की आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो जाती। प्रीति क्या है? ऐसी कोमल कोमल सरस भावनाओं का आकांक्षाओं का पुंज ही तो प्रीति है। प्रियतम के लिए क्या क्या ना किया जाए, वो हमको एक गालिब का शेर याद आता है। गालिब ने जगह लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ख्वाहिश कहते हैं अभिलाषाओं को, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। हैं हजारों ऐसी इच्छाएं हैं, हजारों कहने से यहां अनंत, हजारों ख्वाहिशें ऐसी अपने प्रेमास्पद के लिए कि क्या क्या कर डालूं इसके लिए, सुखी करने को, इसको रस देने के लिए। प्रत्येक ख्वाहिश प्रत्येक अभिलाषा इतनी वजनदार कि प्रत्येक पर प्राण निछावर कर दो तो थोड़ा है, जिस पर दम निकले। मेरी अभिलाषाएं तो उस प्रियतम ने बहुत पूर्ण की, पूर्ण इसलिए की कि उसने स्वीकार किया। ये भी उसकी कृपा है कि हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उसने हमारी सेवाओं को स्वीकार कर लिया। बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, तो अभिलाषाओं का पुंज ही प्रेमी का हृदय है। केवल निकुंज भवन में आस्तरण बिछा करके ही सखी का कर्तव्य इतिश्री नहीं हो जाता है। वो कहते अनुपल्लव मास्तर ही तो, यहां पर अनु उपसर्ग के दो अर्थ किए उन्होंने, मैंने एक तो मार्ग का उच्चारण किया और दूसरे उसमें यदि कहीं कोई अंतराय पड़ गया एक पत्र से दूसरे का, हा? तो खुली जगह हो गई, खुली भूमि हो गई, वहां पर यदि चरण पड़ जाएगा तो कठोरता का अनुभव होगा। तो सैया पुष्पास्त्रण जो मार्ग का बिछाया गया वो पूर्ण नहीं हुआ। वही श्री सूरत मदन मोहन जी वाली बात आई है ना कि कठिन कली बीन बीन न्यारी करत प्यारी के चरण कोमल जान सकुच गढ़ वही दरार। प्रिया आज अपने नव निकुंज भवन से निकल करके वन में बाहर आ रही है। प्रियतम ने अपनी सेवा का विस्तार किया तो फूल के बिछोने बिछा दिए जिस पर सुकुमार चरण रखते हुए किशोरी आवेंगी। केवल बिछा देने मात्र से ही कर्तव्य की तीसरी नहीं हो गई, उसमें से कठिन कठिन कठोर कठोर कलियों को बीन करके दूर फेंकते हैं, क्योंकि प्रिया के कोमल चरणों में ये चुभ जाएंगी। ये चरणों में नहीं चुभेंगी, ये मेरे हृदय में चुभ जाएंगी। प्रीति तो तत्सुखे सुखितम है, इसलिए अनुपल्लव मास्तरी तुम, ये तो क्रिया हुई जो सखी के द्वारा हो रही है। सखी की अंतर मन में एक और नई सुख की सृष्टि भरी हुई है। वो कहती है तब तक प्रसाद मगत खल सम्मरी तुम, आज कोई नई बात थोड़े हो रही है, मैं तो तुम्हारी जन्म जन्म की चेरी हूं, दासी हूं, और तुम दोनों ने कहीं व्यक्त रूप से कहीं अव्यक्त रूप से मुझ पर जो कृपाएं की हैं, जो मुझे प्यार दिया है, जो सेवाएं दी है,
वो मेरे मन को प्रतिक्षण गुदगुदाती रहती है। हा? प्रेमी केवल तत्कालीन प्रेम से ही परिपुष्ट नहीं होता, वे सब बातें उसके अंतर में भरी होती हैं। राम वन को चले गए, महाराज दशरथ की राजमहिषी कौशल्या के हृदय में राम की वो बाल्यावस्था से लेकर के वन जाति तक की जितनी लीलाएं हैं सब खेल रही है। नंदलाल चले गए मथुरा, यशोदा की प्रीति देखो, यशोदा कहती है मेरे मदन गोपाल बिन सब कुछ वैसी धरो रहे, को उठ प्रात होत ले माखन को कर नेत गए, सुने भवन यशोदा सुत के गुन गुन सूल सह, ब्रजो ब्रज में आनंद होतो सो मुनि मन सब न लह, प्रात होत घेरत घर ग्वारिन अब उरहन को नत है। तो प्रेमी के हृदय में अपने प्रेमास्पद की समस्त स्मृतियां अपना मानो घर बनाए बैठी रहती है। यशोदा कहती है मेरे कुंवर कान बिन सब कुछ वैसे ही धरे हो रहे, पड़ा हुआ है ये लाखों का सामान, जब सवेरा होता था तो मैं दही मतती थी, वो उठा करके मेरी मथानी को रई को पकड़ लेता था और कहता था भैया तू दही पीछे मतियो पहले मुझे मक्खन दे। अरे लाला दही मथूंगी तब तो सद्य माखन निकसेगो, पहले कहां थे दूं, बोले सद्य फद्य तू पीछे निकालियो, मुझे तो अभी माखन पहले दे दे। और उस बालक के पास जो बुद्धि है, अरे बाल स्वरूप तो बाल स्वरूप होता है, तो तारतम्य कार्य कारण भेद तो नहीं जानता है, है? वो सब स्मृति छाई हुई है, को उठ प्रात होत ले मर, सुने भवन यशोदा सुत के गुनगुन सूल सह, कहती सवेरा होता था रात भर की योजना बनाई वो ब्रज की बालाएं, इधर सूर्य की प्रथम किरण के साथ यशोदा जी देखो तुम्हारे लाला ने देखी हो, यशोदा जी घर हेरती थी सब उलाहने में, अब कोई एक भी उलाहना देने वाला नहीं, जो ब्रज में आनंद होते और सो मुनि मन सऊनल है। तो चाहे वात्सल्य प्रीति हो या सख्य प्रीति हो या प्रणय प्रीति हो, प्रीति के बहुत प्रकार है, प्रेमास्पद अपनी प्रीति के माध्यम से प्रेमी के हृदय में एक स्थान बनाता है और स्थान ऐसा बनाता है कि वहां से निकलता नहीं है। मन वचन और कर्म तीनों जब प्रेमास्पद के लिए समर्पित हो जाते हैं तब मानना चाहिए कि प्रीति की दशा पूर्ण हो गई। नंदरानी जब दही मथती है तो वाणी से कृष्ण के चरित्रों को गुनगुनाती रहती है अथवा नाम लेती रहती है, हाथों से गम्बर गम्बर रई चलाती रहती है और मन में ध्यान है कि सोया कहीं जाग न पड़े, तेही अंतर अकुलाए अठे हरि जसमति मधुरे गावे। तो जब मन वचन कर्म तीनों लग जाते हैं, सखी ये तो तदगत है, इसका तो अपना कहा जाने वाला कोई जीवन ही नहीं है, प्रियतम के लिए समर्पित है, प्रिया के लिए समर्पित है, दोनों के लिए समर्पित है, मन मन स्मरण करती है तत् तत् प्रसाद मवित खलु संवरी तुम, कितनी कृपा है आपकी, कितनी प्रीति है आपकी, हे मेरी किशोरी तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं स्वीकार किया है। एक दृष्टि से देखा जाए यहां साधक पक्ष में यदि हम विचार करें तो ये महा अमंगल में जीव अनादिकाल से उस प्रभु से विमुख नाना योनियों में भटकता हुआ, कर्म की कीचड़ को मल को सानता हुआ, उसी में रमता हुआ, उसी का भक्षण करता हुआ, उसी का बमन करता हुआ, उसी का निष्क्रमण करता हुआ मलमय हो गया है। और वो एक वो है
जिन्होंने कृपा करके स्वीकार कर लिया। यदि इस दूरी को और इस समीपता को नापो सहृदय के साथ, तो इस कृपा का कोई और छोर है कहां? जन्म किस जाति में, किस कुल में, किन कर्मों में उलझे हुए, कैसे पिता, कैसे माता, कैसा समाज, कैसा देश है? और आज ये शिव वृंदावन कहां? और बैठ करके उनके गुण ज्वलन का सम्मान, ये कृपा कोई सामान्य है? वो कहते हैं हम पर कृपा तो हो, अरे कृपा को तुम देख ही नहीं पा रहे। यदि वो दृष्टि प्राप्त हो जाए तो कृपा के समुद्र में हम डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। इतनी कृपा है कि हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो प्रेमास्पद प्रेमी समझता नहीं प्रेम करता, पर प्रेम तो वास्तव में प्रेमास्पद के हृदय में पहले होता है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना, उसके प्रेम प्रसाद के बिना ये जीव उधर नहीं जाता। श्रुति कहती है यमई वेश ब्रणते तीन लभ्या, श्रुति कहती है यह परमात्मा, वह परम पुरुष इस जीव को, इस शुद्ध को, इस अणु को जब स्वीकार करता है, संकल्प करता है ये मेरा हो जाए, बस वहीं से मार्ग खुल जाता है। यम एव एश ब्रणते